अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगी। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फॉर ऑनलाइन अगर ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज। जो भी एंगल की मेजरमेंट गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है, एंड राइट द आंसर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अगर आंसर पॉइंट्स में आता है तो फिर उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करके लिखना है, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स तक लिखना है, उससे आगे नहीं लिखना। अब मैंने जिस तरह क्वेश्चन 1 और 2 में बताया था, एक तरीका, एक ट्रिक बताया था, टेक्निक बताई थी कि कैसे कन्वर्ट करना है, जो भी एंगल हो उसको डिग्री, मिनट या सेकंड जिसमें भी कहा जाए, मैंने ये बताया था कि अगर डिग्री हो, डिग्री को मिनट में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई। इस तरह अगर डायरेक्ट डिग्री टू सेकेंड हो तो 60 मल्टीप्लाई 60, वो 36 बन जाता है, 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर सेकंड को मिनट में करना हो तो 60 से डिवाइड, मिनट को डिग्री में करना हो तो भी 60 से डिवाइड। तो सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में आना हो तो 60 मल्टीप्लाई 60, वो 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि डिग्री का ये वाला सिंबल होता है, मिनट का ये सिंबल होता है और सेकंड का ये वाला सिंबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कौन सा है, मिनट है, 135 मिनट्स हैं। तो कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, मिनट को डिग्री में, तो क्या करना है, 60 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 60 से डिवाइड, तो ये वैल्यू अब किस में चेंज हो जाएगी, डिग्री में। अब इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेंगे, लिखेंगे 130 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 2.25, और डिग्री में कन्वर्ट किया है इस वजह से 7 डिग्री का सिंबल, यानी कि ये वाला इसका निशान सिंबल ज़रूर लगा देंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 152nd। अब यहाँ पे है सेकंड, सेकंड से मिनट में 60 से डिवाइड, फिर यहाँ से मिनट से डिग्री, फिर 60, तो सेकंड को अब लेके आना है डिग्री में, तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, या इसको 60 मल्टीप्लाई 60 लिख सकते हैं या 3600 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी डिग्री में। अब ज़ीरो यहाँ पे, ज़ीरो से कैंसल आउट, बाकी रह गया यहाँ पे 15/360, और ये वैल्यू अब डिग्री में है, यहाँ पे भी ये वैल्यू डिग्री में थी। अब 15 पे कटिंग कर सकते हैं, 15/24000 होता है 360, तो यहाँ पे 1/24 डिग्री रह गया। अब 1 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर पे 24 करेंगे तो इसका आंसर 0.04166, इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। बट क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिख लेंगे 0.41, और क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर देंगे, और ये 1 2 3 4 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आ जाएगा 0.0417, यहाँ पे 7 डिग्री भी लगा देंगे इसका यूनिट। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 60 डिग्री 60 मिनट। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था कि जब भी दो वैल्यूज़ आ जाए ना, तो पहला स्टेप क्या है कि दोनों के दरमियान प्लस का साइन, 3 होंगे तो इसी तरह उनके दरमियान भी प्लस का साइन, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू तो डिग्री में है, इसको इसी तरह लिख लेंगे, मिनट को डिग्री में, ये मिनट है, यहाँ से हम देखते हैं मिनट को डिग्री में करना हो तो 60 से डिवाइड, तो यहाँ पे इस वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगी। 60 डिग्री, ये 60 60 से कैंसल आउट, 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री ऐड कर देंगे तो इसका आंसर 61 डिग्री आ जाएगा। अगर ये पॉइंट्स में होता तो फिर इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक करते, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर जस्ट यहाँ तक ही आता है 61 डिग्री, तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड है, 3 वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले इन तीनों के दरमियान प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ये वैल्यू तो डिग्री में है, इसको इसी तरह रहने देंगे, मिनट को डिग्री, तो यहाँ से देखते हैं कि मिनट को डिग्री में करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे इसको 60 से डिवाइड, तो ये वैल्यू डिग्री में चेंज हो जाएगी। अब सेकंड से डिग्री में, तो रास्ते में ये 2 60 आते हैं, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60
तो ये 3600 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी डिग्री में। अब ये वैल्यू डिग्री में इसी तरह 45 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे कैलकुलेटर पे तो 0.75 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.0125 डिग्री आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, इसमें कोई इसमें एक्स्ट्रा आगे वैल्यूज़ नहीं आती हैं, सिर्फ इतनी ही वैल्यू आती है कैलकुलेटर पे जब करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 45.7625 डिग्री। तो इसका आंसर आता ही 4 डेसिमल प्लेसेस तक है, पूछा भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक गया था, इनको ऐड करने से यही आंसर आता है। तो ये इसका आंसर होगा।